Question number 25 from Standard 5. A client calls his money manager and asks the manager to liquidate a large portion of his asset under management for an emergency. So, यहाँ पे the call is coming from a client and client is asking a portfolio manager or a money manager to liquidate a large portion of the asset under management. मतलब जितना भी invest किया हुआ है इसमें से the client is asking to liquidate. Because client is in a need of money, is a emergency. So client has asked a money manager to liquidate a large portion of the AUM. So उसके बाद दिया है the manager warns the client of the risk of the selling many assets quickly, but says that he will try to get the client the best possible price. This is a violation of which standard? Or it is not a violation. So basically, यहाँ पे the request is coming from a client. Client is in a need of money, and that's why client has asking to liquidate a large portion of the portfolio. Now, इसमें जो भी risk involved है, the money manager has informed the client about the risk of selling assets quickly, so many assets, because large portion liquidate करना है. सो देर वुड बी रिस्क इन्वॉल्व. मतलब जितना प्रॉफिट होने वाला होगा उतना नहीं होगा, या जो भी एसोसिएटेड रिस्क है, द मनी मैनेजर हैज वॉर्न्ड और इन्फॉर्म्ड टू क्लाइंट अबाउट ऑल दोज थिंग्स. एंड स्टिल ही इज सेइंग दैट, मनी मैनेजर इज सेइंग दैट आई ट्राई टू गेट वॉट एवर इज द बेस्ट प्राइस पॉसिबल. या सो इज इट अ वायलेशन? सो इट वुड नॉट बी अ वायलेशन. वाई? बिकॉज द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम अ क्लाइंट. एज पर लाइक मनी मैनेजर का जो भी ड्यूटी है, ही हैज डन दैट बाय टेलिंग एसोसिएटेड रिस्क, राइट? सो वी हैव डिस्कस इन स्टैंडर्ड 5 कि वॉट एवर आर द पोटेंशियल गेन्स एंड लॉसेस, दो शुड बी डिस्क्लोज टू द क्लाइंट्स, करंट क्लाइंट्स एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट. सो वेन यू से यू मे अर्न लाइक 30% रिटर्न और समथिंग लाइक दैट इफ यू गिव अ रेंज, सो एट द सेम टाइम यू शुड से पोटेंशियल लॉसेस ऑल्सो. सो यहाँ पे मनी मैनेजर हैज डन हिज ड्यूटी बाय टेलिंग द रिस्क ऑल्सो ऑफ सेलिंग द मेनी असेट्स एट द सेम लाइक क्विकली इन अ वन गो. सो दैट पार्ट इज बीन डन. सो ही इज नॉट इन अ वायलेशन एंड द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम अ क्लाइंट. सो इट वुड नॉट बी अ वायलेशन ऑफ लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड ऑल्सो. सो नन ऑफ द स्टैंडर्ड्स का वायलेशन है. उन्होंने दिया है सूटेबिलिटी एंड डिलीजेंस एंड रिजनेबल बेसिस, बोथ आर इरिलेवेंट. सूटेबिलिटी नहीं होगा यहाँ पे बिकॉज द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम अ क्लाइंट एंड डिलीजेंस एंड रिजनेबल बेसिस. सो एज पर स्टैंडर्ड 5 जो भी एसोसिएटेड रिस्क है वो क्लाइंट को बताए है. ऑल्सो अगर नहीं बताते तो इट वुड बी अ वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड 5B, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, कि उनको पोटेंशियल लॉसेस नहीं बताए. सो 5A इज कंप्लीटली इरिलेवेंट. सो नन ऑफ द स्टैंडर्ड लिस्टेड हियर वुड बी द आंसर.